व्यापारी या कहें बिजनेसमैन बनना और व्यापार में होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तुम व्यापार में हो सकते हो और धार्मिक भी, परंतु व्यापारी होकर धार्मिक होना ये संभव नहीं है। ये दोनों ध्रुवीय विपरीत हैं, समान नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें धार्मिक बनने के लिए अपने सभी व्यापार छोड़ देने चाहिए, नहीं, मैं किसी त्याग की बात नहीं कर रहा। परंतु एक व्यापारी धार्मिक नहीं हो सकता, इसे मेरा मतलब मनोवृत्ति से है, स्टेट ऑफ माइंड से है। एक व्यापारी का मन हमेशा सौदेबाजी में, लालच में, लाभ के विचार में, तुच्छ वस्तुओं में, संसारिक वस्तुओं में रुचि रखता है। जब मैं कहता हूँ व्यापारी मत बनो, मेरा अर्थ है इस मनोवृत्ति को छोड़ दो, और तुम बाजार को छोड़कर हिमालय की गुफाओं में जा सकते हो, लेकिन वह मदद नहीं करेगा, क्योंकि महान साधु महात्मा जिन्होंने यहाँ सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया और हिमालय चले गए, लेकिन मन से व्यापार नहीं गया, वे अभी भी व्यापारी हैं, उनकी मनोवृत्ति वही है। शायद अब वे इस संसार की मुद्राओं के बारे में नहीं सोचते, लेकिन वे दूसरी दुनिया की मुद्राओं के बारे में सोचते हैं। शायद वे इस दुनिया में एक बड़े घर की चाह में नहीं है, लेकिन स्वर्ग में एक बेहतर घर की कल्पना करते हैं। शायद वे इस दुनिया की चीज़ों में अब रुचि नहीं रखते, पर क्या अंतर पड़ता है, वे अभी भी चीज़ों में रुचि रखते हैं, उनकी प्रेरणा अभी भी लालच है। लालची मत बनो, उदार बनो, संचय मत बनो, बांटने वाले बनो, यही वास्तविक त्याग है। और तब तुम जहाँ भी हो, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, उसे जियो, और भविष्य के लिए मत जियो, वर्तमान में जियो, क्षण के लिए जियो। तब तुम व्यापारी नहीं हो, तब तुम व्यापार में हो सकते हो। बात बाहरी चीज़ों को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए है। और आज के युग में तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा अपने जीवन व्यापन के लिए। कुछ ना कुछ तो करोगे, व्यापार करोगे या नौकरी करोगे। बुद्ध के समय में भारत के पास बहुत था, एक काम करता था तो 10 के पेट भर सकते थे। आज 10 काम करेंगे तो शायद एक का पेट भर सके, लेकिन वक्त बदल गया है। आज का साधक अपने पैरों पर खड़ा होगा और जो समय मिल जाएगा उसमें अपनी साधना करेगा। काम ही साधना हो जाएगा और साधना ही काम, दोनों मिल जाएंगे। और साधक हर चीज प्रभु को समर्पित कर देता है। इसलिए व्यापार करो, लेकिन भीतर से व्यापारी की मनोदशा मत रखो। फिर तुम देखोगे कि व्यापार भी सुंदर हो गया, व्यापार भी प्रभु की सेवा हो गया, वो भी सौंदर्य, प्रेम और सत्य को समर्पित हो गया। प्रणाम।